जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में बात करेंगे नेदरलैंड्स वर्सेस स्कॉटलैंड फर्स्ट ओडीआई मैच प्रीव्यू के बारे में। तो बिना देरी के यहाँ प्रीव्यू शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच रोटरडैम के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन दोपहर के 2:30 बजे स्टार्ट होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा इस वेन्यू के ऊपर ना लास्ट मैच हुआ था 25 जून 2019 को, कौन सी टीम्स के बीच में, नेदरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में, जो कि दोस्तों एक T20 का मैच था। इस वेन्यू के ऊपर ना करीबन 6 साल से कोई भी ODD का मतलब वन डे डोमेस्टिक या फिर कोई भी ODI मैच नहीं हुआ है। तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यूट्रल यहाँ पे सरफेस रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों पिच न्यू रहेगी। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि बैट्समैन और बॉलर्स को दोनों को बराबर की मदद मिलेगी। और जो आज वेदर फोरकास्ट है ना रोटरडैम का, ये थोड़ा सा क्लाउडी है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, ओवरकास्ट कंडीशंस होगी, हवा चलेगी, तो बॉल दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग के 10 ओवर के अंदर ना पावर प्ले के अंदर स्विंग हो सकती है। ठीक है, होम ग्राउंड है किसका, नेदरलैंड्स का। इस वेन्यू के ऊपर ना नेदरलैंड्स ने आज तक 6 ODI मैच खेला है, मात्र एक मैच जीता है। जो टीम पहले बैटिंग करी इस वेन्यू के ऊपर एक बार जीती है, और चेस करने वाली टीम भी यहाँ पर एक बार जीती है। एवरेज स्कोर 240-300 आपको बनता दिखेगा। अब ध्यान देना है कि लास्ट दो मैचेस के अंदर इस वेन्यू के ऊपर क्या हुआ था। पेसर्स ने यहाँ पर आप देख सकते हो 16 विकेट निकाले हैं। अब देखो कैसे निकाले हैं, पहली पारी के अंदर 6 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 10 विकेट है। राइट आर्म पेसर्स ने यहाँ पर 13 विकेट निकाले हैं, लेफ्ट आर्म पेसर्स ने यहाँ पर 3 विकेट निकाले हैं। वहीं स्पिनर्स की बात करते हैं तो स्पिनर्स ने यहाँ पर लास्ट दो मैचेस के अंदर 16 विकेट निकाले हैं, पहली पारी के अंदर 7 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 9 विकेट है। अब देखो किस टाइप के स्पिनर्स ने यहाँ पर विकेट निकाला है। ऑफ स्पिनर्स ने 5 विकेट निकाले हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स ने 9 विकेट निकाला है, लेग स्पिनर ने 2 विकेट निकाले हैं। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स ने ज्यादा विकेट क्यों निकाले। तो आपको पता रहेगा जो टीम है ना नेदरलैंड्स की, उसके अंदर पीटर सीलर जो कैप्टनसी कर रहे हैं ना, वो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। ठीक है, एक वंडर मर्वे थे इस टीम के अंदर, वो भी एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर थे। ठीक है, जो लास्ट मैच होता है स्वेनी के ऊपर जो T20 का था, ये दोस्तों T20 के स्टैट्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ODI का मैच हुआ ही नहीं है करीबन 10 साल से। तो यहाँ पे देखो जो लास्ट मैच हुआ था 25 जून 2019 को नेदरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे, उस मैच के अंदर 7 विकेट यहाँ पर पेसर ने निकाला था तेज गेंदबाजों ने, और 9 विकेट दोस्तों यहाँ पे स्पिनर ने निकाला था। ठीक है, क्लाउडी वेदर यहाँ पर रहने वाला है। आप वीडियो को दोस्तों लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो, पूरी मेहनत दोस्तों आपके सामने। कोविड होते हुए दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ मैं, सुबह सुबह का टाइम आप देख सकते हो, 6:14 हो रही है, मैं 5:30 बजे वीडियो बनाने बैठा था, लेकिन दोस्तों सांस लेने में इतनी दिक्कत आ रही थी, बार बार मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा था, रिकेप करना पड़ रहा था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं यार, चलता रहता वो सब। तो कोई भी फाइनल डेट्स आएगी, फर्दर अपडेट्स आएगी, ये आपको मिलेगी कहाँ पर, टेलीग्राम के ऊपर। कैसे जुड़ना है मैं आपको ना हमारे जो कमेंट सेक्शन है ना उसके यहाँ पर सबसे टॉप पे पिन करके कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पिन करके दे दूंगा, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। जैसे वीडियो खत्म होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में पहुँच जाना, वहाँ पे सबसे टॉप पे पिन करा हुआ आपको कमेंट मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हो। टॉस के बाद कोई भी अपडेट्स आएगी या आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। कैसे जुड़ना है, लिंक इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करेंगे दोस्तों न्यूज़ की, तो आपको ध्यान देना है ये दोनों टीम्स के बीच में ना अपन कह सकते हैं पहला ODI मैच होगा करीबन 10 साल के गैप के बाद। आप समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ, कि नेदरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ना आज तक 10 साल से कोई भी ODI मैच नहीं हुआ है। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या आ रही है, नेदरलैंड्स की तरफ से ना आर्यन दत्त को पहली बार स्क्वाड के अंदर बुलाया गया, इनको पहली बार ODI के अंदर मेडन कॉलअप मिला है। वहीं फिलिप वॉसवाइन है ना, इनको भी पहली बार कॉलअप मिला है। स्कॉटलैंड में दोस्तों कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, मेरे हिसाब से बहुत एक्सपीरियंस स्क्वाड ये लोगों ने डिक्लेयर करा है और बहुत अच्छा स्क्वाड है। तो मेरे हिसाब से स्कॉटलैंड ना थोड़ी सी फेवरेट है, पर वही बात आती है ना कि होम ग्राउंड दोस्तों नेदरलैंड्स का है, तो थोड़ा सा उनको भी एडवांटेज मिल सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों लाइनअप्स की, तो आपको ध्यान देना है नेदरलैंड्स की तरफ से आपको मैक्स ओ डोवर्ड ओपनिंग करते हुए दिखेंगे स्टेपन मेबर्ग के साथ। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है आपको पता है, जो ये प्लेयर है ना टॉबी वे से, ये भी स्टेपन मेबर्ग के बदले ओपन कर सकते हैं और इसको चांस ही नहीं मिले प्लेइंग 11 के अंदर, पर चांस थोड़ी कम यार, यही होना चाहिए बैटिंग ऑर्डर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा। फिर बैन कूपर आते हैं, लेफ्टी बैटिंग करते हैं और वन डाउन बैट्समैन जो भी खेलता है उसकी रेपुटेशन ज़्यादा ही रहती है, थोड़ा सा उस पर जिम्मेदारी रहती है। बस डिलेडे राइटी बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, स्कॉट एडवर्ड्स विकेट कीपर बैट्समैन राइटी, पीटर सेलर इस टीम की कैप्टनसी करें, बहुत अच्छे एक कह सकते हैं कि बॉलर है, बैट्समैन है और कैप्टनसी भी बहुत अच्छी करते हैं। प्रमुख गेंदबाज इस टीम के राइटी बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर टॉबी वैसे, राइटी बैट्समैन
और इनको रिप्लेस कर सकते हैं आर्यन दत्त, क्योंकि बैटिंग भी कर रहे थे और बॉलिंग भी करा सकते हैं। लॉग वन भी कहेंगे, राइट एंड मीडियम फास्ट बॉलर है, प्रमुख गेंदबाज है ये दोस्तों। विलिंगटन के लिए खेलते थे आपको पता रहेगा, जो सुपर स्मैश कप होती है, फोर्ड ट्रॉफी होती है न्यूजीलैंड की, ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी एक तरीके से। विवियन गिंगम आएंगे यहाँ से, राइट एंड मीडियम है। पॉल वन मैक्रीम आएंगे यहाँ से, राइट एंड फास्ट मीडियम है, प्रमुख गेंदबाज है सारे। फिलिपी वॉचमैन आएंगे, लेग स्पिनर है ये, मेरे हिसाब से इस मैच में खेल सकते हैं। अब देखो बेंच के ऊपर आर्यन दत्त रहेंगे और शाकिब जुल्फिकर रहेंगे, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, स्कॉटलैंड की बात करते हैं। तो काइले कॉट्जर ओपनिंग करेंगे, कैप्टनसी करें, बहुत ही रेपुटेटेड बहुत अच्छे बैट्समैन है। मैथ्यू ग्रॉस विकेट कीपर बैट्समैन, ये दोनों ओपन करते हैं आमतौर पर। कुलम मैकलॉड आएंगे यहाँ से, राइटी बैट्समैन, पे गिवे पर रखा है। हैशटैग स्टैट्स गुरु जी आपने लिखना है और आपको कमेंट करना है यहाँ पर कि CM अपना चीफ मिनिस्टर नहीं है, कुलम मैकलॉड कितना रन बनाएगा। जॉर्ज मुंशी ऊपर भी आ सकते हैं, कुछ मैचेस में क्या होता है आपको पता है, कुलम मैकलॉड टू डाउन खेलते थे और जॉर्ज मुंशी कभी कभी वन डाउन खेल लेते थे, ये भी हो सकता है। फिर देखो ये लेफ्टी बैटिंग करते हैं, फिर आएंगे ऐसे कैरक वैलेंस, ये क्या है राइट ही बैट्समैन है। रिची ब्रिंगटन आएंगे यहाँ से, ये वाइस कैप्टन सी रहे हैं इस टीम की, कुछ तो जिम्मेदारी इनके ऊपर रहेगी। राइट ही बैट्समैन, राइट मीडियम फास्ट। माइकल लिस्क आएंगे यहाँ से, ऑफ स्पिनर है। फिर आएंगे यहाँ से LHDR इवांस, राइट मीडियम फास्ट। हमजा ताहिर खेलने चाहिए, पाकिस्तान के अंदर मुल्तान के लिए इसने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेली है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। शफियन शरीफी राइट मीडियम फास्ट, गेवन मैन राइट फास्ट, ये इस टीम के प्रमुख गेंदबाज है। अब एक चेंज क्या हो सकता है कि वैलेंस के बदले यहाँ से डेलन बुर्जे खेल सकते हैं और यहाँ से हमजा ताहिर के बदले मार्क क्वाट खेल सकते हैं, गेवन मैन के बदले अड्रैन नेल खेल सकते हैं। अब देखो ODD के स्टैट्स की बात करते हैं प्लस रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं प्लेयर्स के बारे में। तो आपको ध्यान देना है, नेदरलैंड्स ना अभी हाल ही के अंदर हफ्ते भर पहले ODD मैच खेल रही थी आयरलैंड के साथ, आपको पता रहेगा आयरलैंड ए जो टीम है ना, आयरलैंड ए वर्सेस नेदरलैंड के मैचेस हुए थे अभी थोड़े दिन पहले। तो देखो उसका रिसेंट फॉर्म भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसने रिसेंटली क्रिकेट खेली है, ये नेपाल के अंदर भी जाके आ रही थी आपको पता रहेगा, नेपाल मलेशिया और नेदरलैंड्स की ट्राई सीरीज हुई थी जिसको नेपाल ने जीता था आपको याद रहे तो। तो जो कहा से स्टेपन मेबर्ग ने 88 मैचेस खेले आज तक ODI के अंदर, ODD वन डे डोमेस्टिक इसका फुल फॉर्म है। घरेलू मैचेस के अंदर इसने 50 ओवर के मैचेस कितने खेले, 88, 30 के एवरेज है, 2400 के आसपास रन है, हाई 105 है, 50 प्लस इसने 17 बार करा है। रिसेंट फॉर्म देखो इसका ODD के अंदर अभी आयरलैंड के अगेंस्ट में 17-23-1 और इसके ना लास्ट 10 मैचेस के अंदर कोई भी 50 प्लस स्कोर नहीं है T20 प्लस ODI के अंदर। फिर आएंगे यहाँ से मैक्स ओडोवर्ड, 16 मैचेस खेल के 32 के एवरेज है, 385 रन है, हाई 86 है। ODI के अंदर 50 ओवर के मैचेस के अंदर 14 पारियों में बैटिंग करी है, 50 प्लस 3 है, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है। हाल ही के अंदर 133 की पारी खेल के आ रहा था ये नेपाल के अंदर जो ट्राई सीरीज हुई थी T20 की उसके अंदर। बैन कॉपर आएंगे यहाँ से, 50 मैचेस में 24 की एवरेज है, 1000 के आसपास रन है, हाईएस्ट 109 नॉट आउट है, 50 प्लस 5 बार करा है। रिसेंट ODD फॉर्म देखो इसका, 7 है, 5 रन है, 7 रन है, तो इतना अच्छा स्टैट्स नहीं था इसका ODD के अंदर। तो जो आयरलैंड के अगेंस्ट में हुआ था वहीं T20 के अंदर इसने अच्छा बैटिंग करी थी, नेपाल जो सीरीज हुई थी ना नेपाल के अंदर T20 की महीने भर पहले, उसमें 54 नॉट आउट, 55-20 नॉट आउट, 0। टीम थोड़ी सी वीक थी जो खेल रही थी ना नेपाल मलेशिया, थोड़ी सी वीक थी, मतलब बस कंपेयर टू स्कॉटलैंड कहाँ दोस्तों, नेपाल वगैरह कहाँ पे, कंपैरिजन समझ रहे हो ना आप। बेस्ट डे लेडे 11 मैचेस खेल के 4 विकेट है, 146 रन है। रिसेंट फॉर्म ODD के अंदर 0 रन 1 रन और 2 विकेट थे 3 मैचेस के अंदर। स्कॉट एडवर्ड्स आएंगे यहाँ से, 14 मैचेस के अंदर 12 पारियों में बैटिंग करी है, 235 रन है, हाईएस्ट 44 नॉट आउट है। रिसेंट ODD फॉर्म देखो, ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, इतने खराब बैट्समैन नहीं है। और मुझे अभी भी याद आती है इनकी जो एक यूरोपियन लीग के अंदर नॉक थी, बहुत ही गजब नॉक थी, इसका ODD परफॉर्मेंस देखो, 9-36 नॉट आउट 11 रिसेंट फॉर्म। पीटर सेलार की बात करते हैं तो 124 मैचेस के अंदर ना 15 की एवरेज है, 761 रन है, हाई 68 है, 119 विकेट है, बॉलिंग से भी बहुत अच्छे गेंदबाज है, 75 पारियों में उसने बैटिंग करी है और करीबन 800 के आसपास रन है। रिसेंट फॉर्म देखो उसका, 13 रन, 37 रन, 31 रन और बॉलिंग से 2 विकेट थे 3 मैचेस के अंदर आयरलैंड के अगेंस्ट में। टोबेस विसे 9 मैचेस के अंदर 191 रन है, हाईएस्ट 42-21 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म देख सकते हो आप इसका, 0-33-42। फिर दोस्तों यहाँ पर टोबी विसे आएंगे, 9 मैचेस के अंदर आपको जैसे कहा 191 रन है, यहाँ पे रिसेंट फॉर्म क्या है, 0-33-42 डी के अंदर। तो अच्छी बैटिंग करी थी इसने, ऐसे नहीं कह सकते खराब इम्पैक्ट था, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था इसका, ठीक है। फिर आएंगे से लॉग वन बिग, 72 मैचेस के अंदर यहाँ पर 87 विकेट्स है, 604 रन है, ठीक है, बहुत अच्छा मेरे हिसाब से बॉलर है।
और ये बहुत अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलता है। एक तो डेवन कॉनवे हो गया, इसकी टीम के अंदर है, फिर आप देख सकते हो जिम्मी नीशम है, कितने बड़े बड़े प्लेयर्स है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर आएंगे विवियन किंगमा, 28 मैचेस में 33 विकेट है, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है मैं कह सकता हूँ। आप खुद देखो, इसने मात्र 2 मैच खेले थे आयरलैंड ए के अगेंस्ट में, उसमें बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था इसका, 3 विकेट एक मैच में, फिर 2 विकेट, मतलब कुल मिला के 5 विकेट निकाल लिए थे इसने 2 मैचेस के अंदर। बॉल को स्विंग कराता, ओवरकास्ट कंडीशंस रहती है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। पॉलवन मैक्रीन 45 मैचेस के अंदर 46 विकेट्स है, रेपुटेशन लेके आता है, लेकिन कभी कभी देख के लगता है यार कि किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये ना कई मैचेस के अंदर ना इतनी खराब बॉलिंग कराता है, शब्द में बयान नहीं कर सकते, और कुछ मैचेस के अंदर कुछ ऐसी बॉल जाती है, मतलब पर्टिकुलर डे पे प्लेयर को लगता है ना यार मेरा दिन आज करके मेरा टप अच्छा गिर रहा है, तो इसके साथ वैसा होता है। ये एकदम अपन कह सकते हैं टाइपिकली, मतलब कि ये एक परफेक्ट बॉलर नहीं है, कुछ मैचेस में तो उसको खुद को पता नहीं रहता कि बॉल कहाँ पे टप्पे पे गिर रही है। जो मैंने ऑब्जर्व करा है अपना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैंने जो क्रिकेट को फॉलो करा है 3 साल से, मेरे को अभी भी याद है कि कनाडा T20 की लीग थी, कितनी बुरी पिटाई करी थी यार इसकी रस्सी वन डसन वगैरह ने, ठीक है। फिर यहाँ से देखो फिलिपी बॉसवेन आएंगे, 3 मैचेस में 5 विकेट है, एक यंग प्रॉमिसिंग प्लेयर अपन कह सकते हैं, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, मतलब मेरे हिसाब से रेपुटेशन बहुत लेके आता है टूर्नामेंट के अंदर। वैसे स्पिनर्स को ना विकेट्स मिल ही जाते हैं कैसे भी, और ये जो कंट्रीज है ना, स्कॉटलैंड हो गई, फिर ये आप देख लो नेदरलैंड्स, ये थोड़ी ऐसी टीम्स है जिनको स्पिन खेलने में हल्की हल्की कभी कभी दिक्कत होती है। आर्य अंदर 2 मैचेस में 3 विकेट, ओडीडी के अंदर 14 रन, शाकिब जुल्फिकर के 4 मैचेस में 43 रन है। स्टार्टिंग में डालेंगे विवियन किंगमा, पॉलवन मैक्रीन एंड लॉगवन बिग, डेथ ओवर में भी यही आएंगे। स्कॉटलैंड्स की बात करते हैं तो आपको ध्यान देना है काइल कॉट्जर, अपन देखते हैं कि भाई जो मैच हो रहा है ना ये नेदरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, इसमें सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर कौन है, तो आपको आंसर आना चाहिए काइल कॉट्जर। 169 मैचेस खेले, 38 की एवरेज है, 5,500 के आसपास रन, हाइस्ट 156 है, 50+14 बनाए, रिसेंट फॉर्म हल्का सा खराब है, मैंने कह रहा दोस्तों पूरा खराब है, इसने लास्ट टाइम को 2019 के अंदर खेला था, तो अब रिसेंट फॉर्म तो मैं खुद बता नहीं सकता, लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या होता है। लेकिन प्लेयर यार बहुत कड़क है, जॉर्जियो मुंशी 40 मैचेस खेल के 36 पारियों में बैटिंग करी है, 27 के एवरेज है, 847 रन है, हाइस्ट 96 है, 50+4 कराए, एक भी 50 नहीं है इसकी लास्ट 10 मैचेस के अंदर। कुलम मैकलॉड 139 मैचेस के अंदर 29 के एवरेज है, 3500 के आसपास रन है, हाइस्ट 175 है, समझ सकते हो अब कितना बढ़िया बैट्समैन है, 50+30 बार करा है। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व करा है ना, जो कुलम मैकलॉड है ये ऐसा प्लेयर है कि ये जब चलता है ना तो बहुत लंबी पारी खेलता है, लंबी रेस का घोड़ा है, या फिर एकदम सस्ते में आउट हो जाएगा, और ये ऐसी टाइम पे नॉक्स खेलता है जब पूरी टीम संकट के अंदर होती है ना, तब ये बहुत अच्छी नॉक्स खेलता है। मुझे अभी भी एक नॉक याद आती है इसकी, जब स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड का मैच था, जो आई थिंक इंग्लैंड हारी थी शायद तक जितना मुझे याद आ रहा था, फिर क्लोज मैच गया था, उसके अंदर कुलम मैकलॉड ने शतक जड़ा था कुछ। मैथ्यू ग्रॉस 79 मैचेस के अंदर 24 की एवरेज है, 1600 के आसपास रन है, 114 है, 50+10 बार करा है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, टेक्निक सही है इसकी, जो वीडियोस मैंने देखे थे उसके अंदर। तो डेलन बुडजे 6 मैचेस में 42 की एवरेज है, 1 विकेट है, 100+1 है, 150+ इसने एक भी नहीं करा है, मतलब 50-100 एक भी बार नहीं करा है, इसने करा है तो 100+ करा है, 255 रन, हाइस्ट 132। रेची बरिंगटन आएंगे यहाँ से, वाइस कैप्टन से कह रहे हैं इस टीम की, 145 मैचेस के अंदर 28 की एवरेज है, बैटिंग करते हैं बॉलिंग करते हैं और क्या चाहिए आपको, 3500 के आसपास रन, हाइस्ट 110, 50+24 बार करा है, 62 विकेट्स है, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है मैं कह सकता हूँ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया रिसेंट फॉर्म इसका है, नेट प्रैक्टिस भी इसने अच्छी करी थी। माइकल लिस 60 मैचेस में 750 रन है, मतलब एक तरीके से बॉलिंग ऑलराउंडर, हाइस्ट 110 है, ODD के अंदर, वन डे डोमेस्टिक, एक दिवसीय घरेलू मैचेस के अंदर 50+4 है, 36 विकेट है, तो अपन कह सकते हैं पार्ट टाइमर, एक तो ऑफ स्पिनर है और थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, वरना एक तरीके से एक रेगुलर प्लेयर नहीं है। सफियान शरीफ 73 मैचेस के अंदर 103 विकेट है यार, 500 के आसपास रन है, कड़क ही खिलाड़ी है, टप्पा अच्छा है इसका बॉलिंग का, महत्वपूर्ण खिलाड़ी आपके लिए रहने वाला है। और यहाँ से अलशदीर इवांस आएंगे, 63 मैचेस के अंदर 73 विकेट है, ये भी बहुत अच्छे गेंदबाज है, जब प्लेयर बैटल आपको दिखाऊंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा। मार्क वॉट का 43 मैचेस के अंदर 49 विकेट है, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, अच्छी गेंदबाजी कराते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। वही दोस्तों हमजा ताहिर को क्यों चांस मिलना चाहिए, क्योंकि उसने पाकिस्तान के लिए ना मुल्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट खेली थी जाके, तो वो होता ही ना क्या कि दूसरी कंट्री का बॉलर है, एक तो रेपुटेशन लेके आ रहा है, तो उसकी रेपुटेशन थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, तो उसको चांस मिल सकता है। 9 मैचेस में 16 विकेट है।
गेविन मेन 5 मैचेस में 9 विकेट है, राइट आर्म फास्ट बॉलर है। रेग विलियम्स का आप देख सकते हो 62 मैचेस के अंदर 824 रन है, आप इनके स्टैट्स देख लो। एड्रियन एल का 6 मैचेस में 9 विकेट है। स्टार्टिंग को डालेंगे यहां से सफियन शरीफ, जी मैन मतलब है गेविन मैन। खेलते हैं तो अलाशदीर इवांस डेथ ओवर में, शैन शरीफ, अजहर इवांस वही मेरे हिसाब से आएंगे, और ब्रेंटन भी आ सकते हैं जो इस टीम के वाइस कैप्टन है, रिची ये भी आ सकते हैं डेथ ओवर में अगर मूड हुआ तो टीम का। अब देखो नेदरलैंड्स ने यहाँ पर ना वेन्यू स्टैट्स की बात करेंगे, जब इस मैदान के ऊपर मैच हुआ है ना रोटरडैम पे तो क्या हुआ है, नेदरलैंड्स ने यहाँ पर ज्यादातर T20 खेला है स्वेन्यू के ऊपर, ठीक है। ODI तो ये लोगों ने 10 साल पहले खेला था स्वेन्यू के ऊपर लास्ट, तो फिर वो स्टैट्स यार मतलब नहीं निकलते ना। तो देखो यहाँ पे स्टेफन मैबर्ग, एक इसने यहाँ पे T20 खेला था उसमें 71 की नॉक थी 56 बॉल्स के अंदर। मैक्स ओडोवर ने यहाँ पे 5 मैचेस के अंदर 30 की एवरेज रखी है, 148 रन है। बैन कॉपर का 6 मैचेस में 18 की एवरेज, 110 रन है। बैश डिलेडे का 3 मैचेस में 40 रन है। स्कॉट एडवर्ड्स का 4 मैचेस में 27 रन है, 9 की एवरेज है। पीटर सिलार का यहाँ पर 6 मैचेस के अंदर 95 रन है, 9 विकेट है। बहुत अच्छी इसने बॉलिंग कराई थी, मुझे अभी भी याद है हर मैच में 2 या 3 विकेट तो निकाल ही रहे थे। तो अभी वैसे आएंगे यहाँ से 5 मैचेस के अंदर इसका 51 रन है। टॉबे विसा का 10 की एवरेज है। लगन बिक ने नहीं खेला, विवियन किंगमा ने यहाँ पर नहीं खेला है, फिलिपी बॉस्वे ने नहीं खेला, आर्यन दत्त ने नहीं खेला है। चारों दोस्तों न्यू प्लेयर्स है, ठीक है, एक तरीके से ये स्क्वाड के अंदर पहली बार आ रहे हैं। तो इस कंट्री के अंदर भी दोस्तों बहुत कम खेलते हैं, तो लगन बिक आप जानते ही हो। पोलवन मैक्रीन का यहाँ पर 4 मैचेस में 5 विकेट है। शाकिब जुल्फिकर के यहाँ पे 2 मैचेस में 0 विकेट, 19 रन। स्कॉटलैंड दोस्तों यहाँ पर कभी नहीं खेली है, पहली बार खेलेगी इस साल, देखते हैं दोस्तों क्या करती है टीम। मेरे हिसाब से भी टीम अच्छी है। प्लेयर बैटल की बात करते हैं, मॉक्स मतलब मैक्स ओडोवर का ना स्ट्रगल यहाँ पे देखो, रिची ब्रेंटन के सामने ये सारे T20 के स्टैट्स, क्योंकि ये टीम्स के बीच में ODI बहुत कम हुआ यार, ना के बराबर। तो आप देखो मैक्स ओडोवर को आउट करा है, रिची ब्रेंटन ने 6 बॉल के अंदर 2 बार आउट करा है और 0 रन स्कोर करा है, दोनों बार पहली पारी के अंदर इसको चलता करा है। लाजरी वांस ने 17 बॉल के अंदर 1 बार आउट करा है। मार्क वाट ने दोस्तों इसको 18 बॉल के अंदर 15 रन देकर 2 बार आउट करा है, दोनों बार दूसरी पारी के अंदर आउट करा है। स्टेफन मेबर्ग का स्ट्रगल है माइकल लीस के सामने, क्योंकि ऑफ स्पिनर आप जानते हो, इवांस ने इनको 12 बॉल के अंदर 2 बार आउट करा है। तो आपको ना एक कॉमन नाम दिखने वाला है इवांस का, इवांस है ना, देखो इवांस, ये आपको ज्यादातर कॉमन नाम दिखेगा प्लेयर बैटल के अंदर। बैन कॉपर का स्ट्रगल है ए इवांस के सामने, 31 बॉल के अंदर 3 बार आउट हुए और 2 बार तो उसको पहली पारी के अंदर आउट कराए, 16 रन बनाए बैन कॉपर ने 31 बॉल के अंदर अगेंस्ट ए इवांस। माइकल लीस के सामने 23 रन है 16 बॉल के अंदर। मार्क वार्ड दोस्तों को परेशान करते हैं, 17 बॉल के अंदर 1 बार आउट कराए। बैश डिलेडे आएंगे यहां से, इवांस ने इनको 9 बॉल के अंदर 1 बार आउट कराए। रिची ब्रेंटन ने इनको 6 बॉल के अंदर 1 बार आउट कराए। स्कॉट एडवर्ड्स येट टू फेस। पीटर सेलार की बात करते हैं तो दोस्तों ये आउट में हमजा ताहिर के सामने 6 बॉल के अंदर 2 बार आउट हो चुके हैं पीटर सिलार अगेंस्ट हमजा ताहिर, क्योंकि जो पीटर सिलार है ना वो खुद दोस्तों एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। ऐसी मुझे क्यों आ रही है, तो उनको पता रहेगा कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर क्या क्या प्लानिंग करता है, किस तरह से बॉलिंग कराता है। पर ये दोस्तों दोनों बार आउट हुए किसके सामने पता आपको, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने। देखो मार्क वाट लेफ्ट आर्म, हमजा ताहिर दोस्तों लेफ्ट आर्म, तो समझ के बाहर था यार, इतना एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर जो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है वो कैसे आउट हो सकता है उसके सामने। टॉबी विसे का स्ट्रगल है इवांस के सामने, 21 बॉल के अंदर 2 बार आउट में। मार्क वाट के सामने 1 बार, माइकल लिस के सामने 1 बार। काइले कॉट्जर आएंगे यहां से, इनका स्ट्रगल है पोलवन मैक्रीम के सामने, ठीक है, 32 बॉल के अंदर 2 बार आउट कराए। पीटर सिलार ने 62 बॉल के अंदर इसको 2 बार आउट करा है और दोनों बार पहली पारी के अंदर आउट कराए। मैथ्यू ग्रॉस का यहाँ पे स्ट्रगल है पोलवन मैक्रीम के सामने, 21 बॉल के अंदर 1 बार आउट कराए। कुलम मैकलॉड का स्ट्रगल है पीटर सिलार के सामने, 48 बॉल के अंदर 2 बार आउट कराया, दोनों बार दूसरी बारी के अंदर आउट कराया, 40 रन बनाए। और विवियन किंगमा के सामने 4 बॉल के अंदर 1 बार आउट हुआ। जॉर्ज मुंशी वर्सेस पीटर सिलार 1 बार। रेग विलियम्स का यहाँ पे स्ट्रगल है पीटर सिलार के सामने। रिची ब्रेंटन का स्ट्रगल है दोस्तों यहाँ पे पीटर सिलार के सामने, आप देखो यार 78 बॉल के अंदर 4 बार आउट कराया, 67 रन है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं। माइकल लिस ने यहाँ पर स्ट्रगल लिया है पोलवन मैक्रीन के सामने। कॉमन कैप्टन काइले कॉट्जर, पीटर सिलार, अब बड़ी लीग्स में किसको बनाना, बनाओ दोस्तों यहाँ पे काइले कॉट्जर को, मैक्स ओडोवर को, कुलम मैकलॉड को, पीटर सिलार को, 4 दोस्तों सबसे मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर्स मेरे लिए रहने वाले हैं। अब थोड़ा सा अलग करना, आप तो यहाँ पे मैट ग्रॉस को ट्राई कर सकते हो, मतलब मैथ्यू ग्रॉस, लॉगवन बिग को। वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक करके जाना है, फिर आप डिसलाइक कर सकते हो। मैंने दोस्तों आपको हर चीज देने की कोशिश करी है, शायद आपको प्लेयर बैटल तो कोई नहीं देगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको देने की कोशिश कवर करता हूँ यार, क्योंकि जो मेरे सोच सकता है ना उतना मैं आपको हमेशा 110% दूंगा, उससे ज्यादा नॉलेज मैं दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कुलम मैकलैंड ने इंग्लैंड के अगेंस्ट में क्या करा था, ये सब दोस्तों वीडियो बनाते टाइम अपने आप याद आती है चीजें, ठीक है। वीडियो लाइक कर सकते हो, डिसलाइक आपकी मर्जी है। बात करेंगे टीम्स की, यहाँ पर मेरे कैप्टन है पीटर सिलार, क्योंकि कैप्टनसी कर रहे हैं इस टीम की, प्लस ये
बॉलिंग कराते हैं, बैटिंग कर लेते हैं, कुल्लम मैकलॉड वाइस कैप्टन है, रेपुटेशन बहुत अच्छी खासी है। अब देखो दिक्कत क्या है, नेदरलैंड थोड़ी सी वीक टीम है, हल्की सी मैं कहूंगा, लेकिन इनका होम ग्राउंड है ना, तो इनको थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है। तो लगवन बिग भी खेल रहे हैं इस मैच के अंदर, तो ये भी थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। जब पॉलवन मैक्रीम के बदले आप ट्राई कर सकते थे विवियन किंगमा, मेरे हिसाब से किंगमा इन फॉर्म है, पॉलवन मैक्रीम आउट ऑफ फॉर्म है एक तरीके से, लेकिन यार वही है ना कि आप किसके साथ जाओगे, ये फाइनल डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि टीम आपकी होगी, मेरी नहीं होगी वहां पर। मैं तो दोस्तों दो तीन टीम्स क्रिएट करूंगा, उसके अंदर मैं रोटेट करूंगा पॉलवन मैक्रीम को और विवियन किंगमा को, एक दो प्लेयर्स को, ठीक है। ये काइलो कॉट्जर हो गए, कुल्लम मैकलॉड, मैथ्यू ग्रॉस, एवांस हो गए, मार्क वाट हो गए, यहाँ से खेलते हैं तो मेरे हिसाब से खेलने चाहिए, पर यार तीन चार स्पिनर्स को लेकर कैसे उतरेगी एक साथ, वो सोच रहा हूँ मैं स्कॉटलैंड, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। स्कॉट एडवर्स ठीक ठाक है, रिसेंट फॉर्म टॉबी विस्सा का बहुत ही बढ़िया है इस प्लेयर का, ठीक है। स्कॉट एडवर्स का रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा खराब है लेकिन ठीक ठाक है। फिर आएंगे यहाँ से काइलो कॉट्जर इंपॉर्टेंट, कुल्लम मैकलॉड इंपॉर्टेंट है, फिर दोस्तों यहाँ पर मैक्स रोड भी बहुत अच्छे बैट्समैन इनफॉर्म है। कुल्लम मैकलॉड दोस्तों मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि टेक्निकल साउंड बैट्समैन है और ये डर्बी शायर है ना, जो कि डोमेस्टिक क्लब है, जैसे अपने सुना रहेगा लैंकशायर हो गया, सुसेक्स हो गया, इसी तरह क्लब्स होते हैं ना डोमेस्टिक, उसके अंदर ये खेलता था इंग्लैंड टी ट्वेंटी ब्लास्ट के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं विटालिटी टी ट्वेंटी ब्लास्ट। बैन कॉपर ठीक ठाक खिलाड़ी है, टेक्निक अच्छी, रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा खराब है। जॉर्ज मुंशी ये दोस्तों जब बैटिंग करते हैं तो पूरी दुनिया देखती है, मतलब जब चलता है ना तो एक तरफा चलता है, ये एक हीटर है क्लीन, मतलब दमखम है इसके पास, ये टुक टुक नहीं करता, मारेगा आते ही या फिर जल्दी चल जाएगा, ठीक है। स्टेफन वुडबर्ग आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी दोस्तों एक ठीक ठाक खिलाड़ी, मैंने कहूँगा खराब है, मेरे को दोस्तों हर प्लेयर पसंद है। सीधी बात आपसे कहूँ तो पीटर सेलार इंपॉर्टेंट, रिची ब्रैंगटन इंपॉर्टेंट, लॉगन बिग इंपॉर्टेंट, बर्जलेडे एक रेप्यूटेटेड यंग प्लेयर के तौर पर आप इनको देख सकते हो, अभी तक रेप्यूटेटेड नहीं है लेकिन रेपुटेशन बना रहे हैं धीरे धीरे। नेपाल के अगेंस्ट में एक बहुत अच्छी नॉक थी, शेषन शरीफ मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से माइकल लीक शायद इंपॉर्टेंट रहेंगे, आर्यन दत्त आप ट्राई कर सकते हो, वे सिंह को शायद ही चांस मिलेगा यार, ठीक है, अभी ऐड कर रहा है लगता है उसको विक्रमजीत सिंह को। फिर यहाँ से देखो ए इवांस हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, पॉलवन नकरीम का मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, मार्क वट हो गया, किंग मा दोस्तों एक रेपुटेटेड बहुत अच्छे गेंदबाज है, इस साल अलग गेंदबाजी करा रहे हैं, और हमजा ताहिर खेलते हैं तो आप इनको ट्राई करना, और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी दोस्तों मैं आपको दूंगा। टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, तो आप वहाँ से कमेंट सेक्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। देखते रहे दोस्तों स्टैट्स गुरुजी, आप सभी कहूँगा घर पर रहे, सुरक्षित रहे, वैक्सीन लगवा ले दोस्तों, सुबह का टाइम है, मजाक नहीं करूँगा आपके साथ, 6:40 हो रही है, ठीक आप समझ सकते हो, तो बेटर है दोस्तों लाइफ के अंदर सबको खुश रखे, छोटी सी जिंदगी यार, कल किसका क्या हो, किसका क्या भरोसा है दोस्तों, ठीक है। तो देखते रहे स्टैट्स गुरुजी, मिलते हैं अगली दफ़ा, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।